हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अपने इस वीडियो में आज मैं बताऊंगी कि फाउंडेशन को अप्लाई कैसे करना चाहिए। तो आप देखते रहिए कि फाउंडेशन कैसे लगाना चाहिए। तो सबसे फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले सबसे अहम बात होती है, पहले चेहरे को अच्छे से साफ़ कर लें, फेस वॉश कर लें। अब उसके बाद आप मॉइस्चराइजर का भी यूज कर सकती हैं, को भी प्राइमर लगा सकती हैं। तो प्राइमर में आप जैसे कि ये क्रीम बेस है, ये क्रीम बेस प्राइमर है और ये जेल है। तो मैं ये प्राइमर यूज ज़्यादातर मैं जनरली जेल का ही यूज़ करती हूँ प्राइमर के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जेल ही। तो ये देखिए, मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं सबसे पहले प्राइमर के तौर पर मैं लगाऊँगी एलोवेरा जेल। तो ये मैंने ले लिया है एलोवेरा जेल। तो इसको अच्छे से मसाज कीजिए अपने स्किन पे, आईज के चारों ओर। तो गाइस, थ्री फिंगर से अच्छे से मसाज आप कर सकती हैं। जो बिगनर्स है बस उसके लिए मैंने बता दिया। तो आप अच्छे से अप्लाई करें अपने फेस पे। ये पूरा जब तक सूख ना जाए तब तक इसे मसाज करते रहें। चेहरे को मसाज करना सबसे अहम बात होती है फाउंडेशन लगाते समय, नहीं तो आपका फाउंडेशन काला पड़ सकता है। और कभी कभी बहुत सारे व्यूअर्स का ये भी कंप्लेन होता है कि फाउंडेशन लगाने के बाद उनका चेहरा काला हो जाता है। तो ये देखिए गाइज, मैंने पूरा चेहरे पे जेल लगा लिया है। तो ये प्राइमर मेरा हो गया, प्राइमर का बेस तैयार हो गया है। तो गाइज, मैं बता रही थी आपको फाउंडेशन काला ना हो उसके लिए आप आइस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आइस से अपने चेहरे को सेक सकती हैं और सेकने के बाद आप मॉइस्चराइजर लगाएंगी तो बहुत पसीना आएगा। तो आप प्राइमर यूज कीजिए, वो भी ऑयल फ्री प्राइमर का ही यूज कीजिएगा। तो मैंने प्राइमर लगा लिया है और उसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। तो कर लीजिए अपने स्किन को कि प्राइमर अच्छे से सेट हुआ या नहीं। ओके, तो ये देखिए मेरा हो गया सेट प्राइमर। उसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। तो ये गाइस, सबसे ज़रूरी बात ये बताऊंगी, अगर आप फाउंडेशन को टैप टैप करके यूज करती हैं यानी अपने फिंगर से, तो बहुत अच्छी बात है। मगर मैं ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसको पानी में डिप कर लीजिए। तो ये मैंने इसको पहले से डिप करके रखा था। तो ये देखिए गाइस, पहले मैंने डिप करके रखा था और इसे मैं ऐसे करके निचोड़ दिया है। तो ये हो, ये सूख गया। तो गाइस, ये पता है भिगो को क्यों रखना चाहिए इसको पानी में? अगर आप भिगो के नहीं रखोगे तो सारा फाउंडेशन सूख जाएगा, इसी में चला जाएगा सारा का सारा। तो इसीलिए इसे पहले डिप कीजिए पानी में और अच्छे से निचोड़ के तब इसका इस्तेमाल कीजिए फाउंडेशन लगाने में। तो मैंने इसे निचोड़ लिया है। तो फाउंडेशन देखिए कैसे लगता है इससे। तो ये देखिए गाइस, सबसे पहले आप फाउंडेशन अपने आप ले लीजिए। तो ये देखिए, मैंने फाउंडेशन ले लिया है। तो मैं जनरली अपने हाथ पे ही ले लेती हूँ। उसके बाद चारों साइड ऐसे फिंगर से लगाने से होता क्या है, क्या वो चारों साइड ज़्यादा फैलाने में दिक्कत नहीं होगी। गाइस, मैंने आईना भी नहीं लिया है, बस मैं ऐसे लगा रही हूँ। तो गाइस, वीडियो लाने में मैंने बहुत देरी कर दी क्योंकि मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बहुत बाबू छोटा था, अभी चल रहा है तो सारा का सारा फोकस उसी पे देना होता है। तो गाइस, ये देखिए हो गया है फाउंडेशन, मैंने ज़्यादा लगा लिया है क्योंकि हाथ में मैंने ज़्यादा ले लिया था तो अब इतना ना लगाएं। तो ये देखिए, मैंने टैप इसको टैप कैसे करते हैं फेस पे, इसको फाउंडेशन को अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये देखिए, जस्ट इस पर टैप कीजिए ऐसे। बस टैप करते रहिए
गाइज, और भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, आप फाउंडेशन लगा रहे हैं ब्यूटी ब्लेंडर से तो बस इसको ऐसे ऐसे रब ना करें, बस जस्ट टैप करें, टैप कीजिएगा ही तो वो भी आपका फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा। तो इस तरह से आप फाउंडेशन को टैप टैप करके लगाइए। गाइस, आप कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आऊं आपके लिए, वो भी जरूर बताइएगा। और मेरा सपोर्ट ऐसे ही करते रहिएगा। थोड़ा टैप टैप करके अच्छे से सेट कर दें फाउंडेशन को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इसमें फाउंडेशन लगाई है तो मैं इसको अपने नेक पर भी लगा लेती हूँ, पूरा बराबर लग जाए फेस और नेक दोनों, तो आपका स्किन का कलर और पूरा नेक का कलर अलग अलग लगेगा। चाहे तो आप और फाउंडेशन लगा के अपने नेक पे लगा सकती हैं। जस्ट मैं फाउंडेशन का डेमो दिखा रही हूँ आपको। तो गाइस ये देखिए, तो पूरा अच्छी तरह से फाउंडेशन सेट हो चुका है। तो आप देख लिए कि कैसे फाउंडेशन अप्लाई करना चाहिए। तो अगली बार से आप, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता, आप बिगनर्स हैं, फाउंडेशन लगाएं तो ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएं और ऐसे ऐसे रैप करके नहीं लगाएं, जस्ट टैप टैप करें, सारे फाउंडेशन सेट हो जाएंगे। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई ना करें, बहुत ज़्यादा करिएगा तो बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप लगेगा। तो फाउंडेशन पर से पहले बेस लगा लीजिए प्राइमर का, उससे पहले मॉइस्चराइजर लगा सकती हैं आप, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद फाउंडेशन लगाने के बाद आप कंटूर कीजिए, कंटूर करने के बाद आप कंसीलर लगा सकती हैं आई के चारों साइड, उसके आप लूज पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं, लूज पाउडर से पूरा फेस का जो भी मेकअप सेट हो जाता है। उसके बाद ब्लश कीजिए, फेस पाउडर लगाइए, आपको जो मर्जी वैसे लगाइए। तो मैंने ये दिखाया कि फाउंडेशन अप्लाई कैसे करना चाहिए। तो उसके आगे मैं कभी ब्राइडल मेकअप करूँगी तो आपको फुल ट्यूटोरियल दिखा दूँगी जो फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद कैसे कंटूर करते हैं, कैसे कंसीलर अप्लाई करते हैं और कैसे ब्लशर अप्लाई करते हैं, तो सारा मैं उसी में बता दूँगी। गाइस ये देखिए, फाउंडेशन कैसे अप्लाई करना चाहिए मैंने इस वीडियो में यही बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।